शाओमी एज अ ब्रांड को कौन नहीं जानता, कौन उसके प्रोडक्ट्स को पसंद नहीं करता। दोस्तों मैंने ऐसी बहुत ही कम फैमिलीज देखी हैं जहां पे कोई भी शाओमी का प्रोडक्ट ना हो, कोई फ़ोन, कोई ईयरफोन, टीवी या कोई भी और प्रोडक्ट। शाओमी का ज़रूर देखा मैंने हर फैमिली के अंदर। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे कई शाओमी के प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है और सिर्फ चाइना के अंदर अवेलेबल हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि उसमें से कई प्रोडक्ट्स इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाले हैं? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VMone। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं TechTalk एपिसोड नंबर 29, जहां मैं आज आपसे बात करूंगा शाओमी के ऐसे 5 प्रोडक्ट्स के बारे में जो बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। सब्सक्राइब करें VMone चैनल को और बेल आइकॉन जरूर दबाएं TechTalk वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं MI नोटबुक की। दोस्तों MI नोटबुक बिल्कुल एक रेप्लिका लगता है मैकबुक एयर का। ऐसा लगता है कि एप्पल का लोगो हटा के किसी ने MI का लोगो लगा दिया है। लेकिन बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, उसकी स्पेसिफिकेशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। 13.3 इंच की स्क्रीन के साथ फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है ये लैपटॉप और इसका वेट सिर्फ 1.3 kgs है। इसकी स्पेसिफिकेशंस की जहां तक बात है, इसके अंदर इंटेल का 8th जनरेशन i5 प्रोसेसर लगा हुआ है। इसमें 8GB रैम है और 256GB की SSD ड्राइव है और इसके अंदर विंडोज 10 और MS ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड आता है। और इससे मज़े की बात और ज़्यादा ये है कि इसका प्राइस 54,000 रुपीज़ है सिर्फ। अगर इन स्पेसिफिकेशंस को ले लूँ और इस वेट के अंदर मैं ये सारी चीज़ें अगर मैं सोच के चलूँ तो ये कम से कम 70,000 या 80,000 रुपये का लैपटॉप होना चाहिए। लेकिन ये 54,000 रुपीज़ का MI बेच रहा है चाइना के अंदर। तो इंडिया में जब ये लॉन्च होगा तो लगभग इतना ही प्राइस शाओमी को रखना चाहिए इस लैपटॉप का इंडिया में। अब बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की। तो दूसरा प्रोडक्ट जो लॉन्च होने वाला है वो है MI वॉच। MI वॉच बहुत ही शानदार वॉच है, स्मार्ट वॉच है। ये भी एप्पल वॉच जैसी लगती है। शाओमी को पता नहीं क्या ऑब्सेशन है एप्पल से, हर चीज़ वो एप्पल की बिल्कुल मतलब लुकअलाइक या जेरोक्स कॉपी टाइप की निकाल देता है और लोगों को ऐसे देखने में लगता है कि बिल्कुल एप्पल है लेकिन होती शाओमी की चीज़ है। तो MI वॉच की अगर बात करें तो MI वॉच बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक मैं यहाँ पर शेयर करूँगा, वो देखिएगा ज़रूर। इसके अंदर जो स्क्रीन है वो बिल्कुल उसी तरह रेक्टेंगुलर डायल के अंदर आती है जिस तरह से एप्पल वॉच आती है। एप्पल वॉच में थोड़ा स्क्वेयरिश डायल है लेकिन इसमें थोड़ा सा रेक्टेंगुलर है। 1.78 इंच की स्क्रीन है इसमें, OLED स्क्रीन। और इसके अंदर भी डिजिटल क्राउन है जिससे आप सारी वॉच को ऑपरेट करते हैं। गूगल OS पे बेस्ड है लेकिन उसके ऊपर MIUI वॉच जो है वो आपको मिलता है। स्नैपड्रैगन का 3100 चिपसेट इसके अंदर आता है और बहुत ही गजब की टेक्नोलॉजी है उसके अंदर। हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं आप, लगभग 15 से 18 स्पोर्ट्स एक्टिविटी को आप ट्रैक कर सकते हैं उसके अंदर। प्राइस इसका चाइना में लगभग 14,000 है और इंडिया में भी लगभग इसी प्राइस पे लॉन्च होनी चाहिए। तो आप ये सोच के चलिए कि एप्पल वॉच के जो कंपटीशन में निकाली है MI वॉच, उसका प्राइस क्या हुआ, लगभग आधे से भी कम। तो ये अगर उस मायने में देखें तो बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी की वॉच है और ये बहुत ही जल्दी हम इंडिया में ज़रूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रोडक्ट के ऊपर जो एक अगेन एप्पल लुकअलाइक प्रोडक्ट है, जो है एयरपॉड्स 2 प्रो। ये बिल्कुल एप्पल एयरपॉड्स प्रो की तरह लुकअलाइक है उसका और बिल्कुल वही फीचर्स के साथ आता है। लेकिन इसके अंदर वही टेक्नोलॉजी तो है ही लेकिन इसका प्राइस बहुत ही गजब का है। ये दोस्तों सिर्फ प्राइस है 4,000 रुपये चाइना के अंदर। आप सोच के देखिए कि अगर ये इंडिया में लॉन्च हो जाए लगभग इसी प्राइस के अंदर तो क्या गजब ढा देगा। कहाँ Realme Buds Air स्टैंड करेगा या कहाँ कोई और ट्रूली वायरलेस ईयरबड अगर हो मार्केट में तो कौन स्टैंड करेगा इसके आगे। इसके अंदर डुअल माइक्स हैं नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए, इसके अंदर 14mm के डुअल ड्राइवर्स हैं साउंड क्वालिटी के लिए, इसके अंदर टच कंट्रोल्स हैं और इसके अंदर ऐसा कौन सा फीचर है जो एप्पल एयरपॉड्स प्रो के अंदर नहीं है। बहुत ही शानदार ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स हैं ये और
ये इंडिया में लॉन्च बहुत ही जल्दी होने वाले हैं और आई एम सुपर एक्साइटेड कि जब ये लॉन्च होंगे तो ज़रूर आपको इसका रिव्यू दिखाऊंगा। चौथा प्रोडक्ट जो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है एम आई का, वो है एम आई हैंडहेल्ड वैक्यूम क्लीनर। ये भी बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है अपने अपने आप में, और इसके अंदर 9 कोन फैन है साइक्लोन डिज़ाइन का, जो कि पिक कर लेता है 99.97% डस्ट किसी भी सरफेस से। बहुत सारी अटैचमेंट्स के साथ आता है दोस्तों ये, और इसके अंदर पावर बैकअप जो है इसका लगभग आधे घंटे का है, मतलब रेगुलरली कंटिन्यूसली आप आधे घंटे तक इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये इसका प्राइस चाइना में लगभग 12,000 रुपये के आसपास है, और इंडिया में भी लगभग इसको इसी प्राइस के आसपास लॉन्च हो जाना चाहिए। चाइना में ये लॉन्च हुआ था लगभग 13,000 या 14,000 रुपये का, और उसके बाद इसका प्राइस रिड्यूस करके इसको 12,000 रुपये कर दिया गया। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि 11,000 और 12,000 रुपये के आसपास ही इंडिया में लॉन्च होना चाहिए। और पांचवा हमारा जो प्रोडक्ट है जो Xiaomi का बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, वो है Xiaomi का आई हेल्थ थर्मामीटर। ये ऐसा थर्मामीटर है दोस्तों जिसको आपको किस मुंह में नहीं लगाना पड़ता या बच्चों के बगल के अंदर नहीं लगाना पड़ता, इसको आपको सिर्फ स्किन के पास माथे के पास लाके इसको यहाँ पे टच करना है, और टच करते ही आपका इंफ्रारेड से ये थर्मामीटर चलता है और उसी टाइम आपका टेम्परेचर आ जाएगा। चाइना में जो ये टेम्परेचर दिखाता है ये डिग्री सेल्सियस के अंदर दिखाता है, लेकिन ये फेरनहाइट के अंदर, जैसे हम लोगों को आदत है कि यहाँ पे फेरनहाइट में टेम्परेचर देखते हैं, तो फेरनहाइट में भी टेम्परेचर ये तो एक नॉर्मल सेटिंग है, ये भी चेंज हो सकती है। तो ये काम करता है सिर्फ 2 AAA बैटरीज के साथ, जो कि अपने आप में बड़ी अच्छी बात है कि आपको बार बार इसको चार्ज नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। और इसका प्राइस दोस्तों बहुत ही गजब का है, सिर्फ 1300 रुपये चाइना के अंदर। तो इसको भी इंडिया में लॉन्च होना चाहिए लगभग 1300 से 1500 रुपये के बीच में, और उस प्राइस रेंज के अंदर ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इस टाइप के थर्मामीटर जो इंडिया में मिलते हैं वो लगभग 3000 रुपये से ऊपर के होते हैं। आई होप आप भी उतने ही एक्साइटेड होंगे जितना एक्साइटेड मैं हूँ कि ये Xiaomi के प्रोडक्ट्स बहुत ही जल्दी इंडिया में आ जाएं, और जैसे ही ये इंडिया में लॉन्च होंगे मैं आपको इनका रिव्यू ज़रूर दिखाऊंगा। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्योंकि इससे मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा एक नए TechTalk वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें VMone चैनल को और बेल आइकॉन जरूर दबाएं TechTalk वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।